में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण अब खत्म हो जाएगा। इस देश के 85% लोगों को जो अधिकार मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिला है, आरक्षण का अधिकार, वो आप उनसे छीनना चाहते हैं। जब तक देश में बाबा साहब का संविधान है, तब तक आरक्षण खत्म कैसे हो? जब सरकार 272 सीट्स में भी बनती है, तो मोदी को 400 पार क्यों चाहिए? अब की बार 400 पार सीट लेकर ऐसा क्या करना चाहता है मोदी, जो 300 पार सीट लेकर भी नहीं कर पाया? भागवत ने आज आरक्षण नीति पर सवाल उठाते हुए इसकी समीक्षा की जरूरत बता दी। क्या देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण अब खत्म हो जाएगा? इस देश के 85% लोगों को जो अधिकार मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिला है, आरक्षण का अधिकार, वो आप उनसे छीनना चाहते हैं। जब तक देश में बाबा साहब का संविधान है, तब तक आरक्षण खत्म कैसे हो सकता है? यही सवाल है ना आपके मन में, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। और बहुत सारे काम सरकार के 272 से भी बन जाए, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं करे, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक की या नया संविधान बनाना। की बार 400 पार, ये बारी नागपुर के नीचे सीटों गेल में कौन तो या नागपुर या नमगे लोकसभा भी बहुमत है, 2/3 मेजोरिटी, राज्यसभा भी नमगे 2/3 मेजोरिटी, अल्प बहुमत है, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮತ ಇದೆ. ದೇಶ ಕೈ ಕಠೋರ ನಿರ್ಣಯ ಲೇನೆ ಪಡತೆ ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮೇ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಬದಲಾವ್ ಕರನೆ ಪಡತೆ ಅಗರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಕೆ ಅಂದರ್ ಹಮೇ ಕೋಯಿ ಬದಲಾವ್ ಕರನಾ ಹೋತಾ ಹೈ ತೋ ಆಪ್ ಮೇ ಸೆ ಕೈ ಲೋಗ್ ಜಾನತೆ ಹೈ ಕಿ ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ದೋನೋ ಜೋ ಹಮಾರೆ ಸದನ ಲೋಕಸಭಾ ಔರ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ದೋನೋ ಕಿ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಅಮಲ್ ಚಾಹಿಯೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಮೇ ಆಜ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಔರ್ ಎನ್ಡಿಎ ಕಾ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತ ಹೈ, ಉಸ್ಮೇ ಕೋಯಿ ಕಮಿ ನಹೀ ಹೈ, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है, समझे आप 400 पार क्यों चाहिए मोदी को? जैसे ही मोदी को ये 2/3 बहुमत मिला, मोदी बाबा साहब के संविधान को हटाएगा और आरएसएस का संविधान लाएगा और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म कर देगा, फिर एक एक करके आपके सारे अधिकार अपनी मुट्ठी में कर लेगा। उस वक्त आप आवाज भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि बोलने की आजादी जो बाबा साहब ने अपने संविधान में आपको दी है, वो आजादी भी मोदी छीन लेगा और आपके मुंह से आह भी नहीं निकलेगी। तब आप सोचेंगे मोदी को सत्ता से बाहर करने के बारे में, लेकिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वोट का अधिकार भी आपको नहीं मिलेगा मोदी के संविधान में, और अगर चुनाव होंगे तो भी आप नहीं हटा पाएंगे मोदी को, क्योंकि चुनाव रूस में पुतिन भी करवाता है और नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन भी करवाता है। मौका सिर्फ आज है, वक्त सिर्फ आज है, और वोट का हथियार भी सिर्फ आज ही है। तो उठिए और वोट का हथियार उठाइए। तानाशाह को संविधान बदलने से पहले ही सत्ता से बाहर करना होगा, भाजपा को हटाना है, संविधान को बचाना है।